गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के 15 फेमस सेलिब्रिटीज के प्राइवेट जेट के बारे में कि किस किस के पास अपना खुद का प्राइवेट जेट है और इसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बिना समय गवाते हुए आइए वीडियो को करते हैं शुरू। नंबर 15 पर आते हैं जूनियर एनटीआर साउथ के टॉप एक्टर में से एक है और ये हाईएस्ट पेड एक्टर में से भी एक है। ये पर मूवीज के लिए करीब 40 करोड़ से 55 करोड़ रुपीज तक चार्ज करते हैं। जूनियर एनटीआर ने कई एक से बढ़कर एक मूवीज दी है जिसे पब्लिक ने काफी पसंद भी किया है। और अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो इनकी नेटवर्थ तो आज 2023 में 500 करोड़ तक पहुंच गई है। तो आइए अब देखते हैं इनके प्राइवेट जेट के बारे में। जूनियर एनटीआर के पास अपना खुद का प्राइवेट जेट है जिसे वो फैमिली और अपने पर्सनल कामों के लिए यूज करती है। अगर इसकी कीमत की बात करी तो इसकी कीमत अप्रोक्स 80 करोड़ रुपीज बताई जाती है, यानी कि 80 करोड़ रुपए। नंबर 14 पर आते हैं ऋतिक रोशन। आज इंडिया के टॉप हैंडसम एक्टर में से एक होने के साथ साथ वो आज बॉलीवुड के रिचेस्ट एक्टर में से भी एक है। इनके पास रोल्स रॉयस, मर्सिडीज वी क्लास, पोर्शे जैसी कई करोड़ों का कार कलेक्शन भी है और इनकी नेटवर्थ तो आज 2023 में 3101 करोड़ तक पहुंच गई है। तो आइए देखते हैं इनके पास कौन सा जेट है। ऋतिक रोशन के पास एक 7-सीटर प्राइवेट जेट है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इसकी कीमत की बात करें तो इसका प्राइस अप्रोक्स 84 करोड़ रुपीस बताया जाता है, यानी कि 84 करोड़ रुपए। नंबर 13 पर आते हैं महेश बाबू साउथ के जाने माने एक्टर में से एक है। इन्होंने साउथ इंडस्ट्री में कई एक से बढ़कर एक मूवीज दी है जो हिट रही है। इसके अलावा भी इनकी कई मूवीज ब्लॉकबस्टर भी रही है और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है और ये हाईएस्ट पेड एक्टर में से भी एक है। ये पर मूवीज के लिए करीब 45 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं और इनकी नेटवर्थ तो आज 2023 में 300 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है। तो आइए देखते हैं इनके प्राइवेट जेट के बारे में। इनके पास भी अपना खुद का एक प्राइवेट जेट है जो अपने बिजनेस और फैमिली के लिए यूज करते हैं, जिसकी कीमत करीब 90 करोड़ रुपए बताई जाती है, यानी कि 90 करोड़ रुपए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 12 पर आते हैं अनिल कपूर आज बॉलीवुड के जाने माने एक्टर में से एक है। इन्होंने 90s में कई एक से बढ़कर एक मूवीज दी है जो ब्लॉकबस्टर रही है। इनके पास भी अपना खुद का एक प्राइवेट जेट है जिसकी कीमत अप्रोक्स 87 करोड़ रुपए है। नंबर 11 पर आते हैं प्रभास को आज किसी भी तरह के कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। प्रभास ने बाहुबली 2 देकर अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया है और आज ये साउथ इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक है। प्रभास भी एक प्राइवेट जेट ओन करते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये करीब 92 करोड़ रुपीज का है और अगर प्रभास के नेटवर्थ की बात करें तो इनकी नेटवर्थ तो आज 2023 में 290 करोड़ रुपीज हो चुकी है, यानी कि 290 करोड़ रुपए। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं अल्लू अर्जुन। आज साउथ इंडस्ट्री के नंबर 1 एक्टर होने के साथ साथ वो हाईएस्ट पेड एक्टर में से भी एक है। यह पर मूवीज के लिए करीब 100 करोड़ रुपीज चार्ज करेंगे। अल्लू अर्जुन ने अब तक के 40 से भी ज्यादा मूवीज में काम कर चुके हैं और इन्होंने कई ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट मूवीज दी है जिसे पब्लिक ने काफी पसंद भी किया है। अल्लू अर्जुन के पास कई करोड़ों का कार कलेक्शन भी है, उन्हीं में से एक अल्लू अर्जुन प्राइवेट जेट भी ओन करते हैं। अल्लू अर्जुन ने इसे अपनी फैमिली और बिजनेस के लिए खरीदा था और मैं आपको बता दूं इसकी कीमत करीब 260 करोड़ रुपए बताई जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 9 पर आते हैं अक्षय कुमार। आज बॉलीवुड के जाने माने एक्टर में से एक है। इन्होंने अब तक के इतनी मूवीज दे दी है शायद उन्हें खुद याद नहीं होगा। अक्षय कुमार की आज नेटवर्थ तो 2023 में 2700 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है, यानी कि 2700 करोड़, और इन्होंने कई ब्लॉकबस्टर मूवीज भी दी है जिसे पब्लिक ने काफी पसंद भी किया है। अक्षय कुमार भी खुद का अपना एक प्राइवेट जेट ओन करते हैं जिसकी कीमत करीब 180 करोड़ रुपीज बताई जाती है, यानी कि 180 करोड़ रुपए। नंबर 8 पर आते हैं नागार्जुन। एक एक्टर, प्रोड्यूसर एंड एंटरप्रेन्योर है। इन्होंने कई हिट और ब्लॉक
ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट मूवीज दी है और इनके बेटे अखिल अकनेनी और नागा चैतन्या ने भी साउथ इंडस्ट्री में कई हिट मूवीज दे चुके हैं और इनके पास भी कई करोड़ों का कार कलेक्शन है, जैसे फरारी, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज G63 और भी कई कार्स है। उन्हीं में से एक प्राइवेट जेट भी ओन करते हैं जो ज्यादातर इसे अपनी फैमिली के लिए ही यूज करते हैं, जिसकी कीमत करीब 110 करोड़ रुपए बताई जाती है। नंबर 7 पर आते हैं अजय देवगन। अजय देवगन ने 90s और 20s में काफी अच्छी अच्छी मूवीज दी है, जिसे पब्लिक ने काफी पसंद भी किया है। अजय देवगन की अभी बहुत सारी अपकमिंग मूवीज भी आने वाली है, जो कि 2023 और 24 में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और अभी इनकी दृश्यम 2 भी हिट रही है। ये आज बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक है। अगर हम इनके नेटवर्थ की बात करें तो इनकी नेटवर्थ आज 2023 में 530 करोड़ तक पहुंच गई है। इनके पास भी अपना खुद का एक प्राइवेट जेट है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी कीमत अप्रोक्स 84 करोड़ रुपीस है। नंबर 6 पर आते हैं सैफ अली खान। सैफ अली खान नवाब खानदान से बिलोंग रखते हैं और इनके पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है। इनके पास कई करोड़ों का कार कलेक्शन, कई करोड़ों की प्रॉपर्टी और इनका पटौदी पैलेस ही सिर्फ 800 करोड़ से भी ज्यादा का है। ये भी एक प्राइवेट जेट ओन करते हैं, जिसकी कीमत करीब 260 करोड़ रुपए बताई जाती है। नंबर 5 पर आती है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा आज भले ही इंडिया से दूर है, लेकिन आज भी इनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में बनी हुई है। प्रियंका चोपड़ा आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक है। इनकी नेटवर्थ आज 2023 में 620 करोड़ तक पहुंच गई है। तो आइए देखते हैं इनके पास कौन सा जेट है। प्रियंका चोपड़ा एक 7-सीटर जेट ओन करती है, जिसमें निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा कई बार नजर आए हैं, जिसकी कीमत करीब 120 करोड़ रुपए बताई जाती है। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं रामचरण। रामचरण ने साउथ इंडस्ट्री में बहुत ही कम मूवीज दी है, लेकिन लाजवाब दी है। इनके पास भी कई करोड़ों का कार कलेक्शन है और रामचरण आज साउथ इंडस्ट्री के नंबर 1 रिचेस्ट एक्टर में से एक है। इनकी नेटवर्थ आज 2023 में 1600 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है। इनके पास सिर्फ प्राइवेट जेट ही नहीं बल्कि ट्रू जेट एयरलाइन कंपनी भी है और ये भी एक प्राइवेट जेट ओन करते हैं, जिसकी कीमत अप्रोक्स 260 करोड़ रुपए बताई जाती है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं सलमान खान। सलमान खान सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज में भी जाने जाते हैं। सलमान खान ने बॉलीवुड में कई एक से बढ़कर एक मूवीज दी है और इनकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सलमान खान आज बॉलीवुड के टॉप रिचेस्ट एक्टर में से एक है। इनकी नेटवर्थ आज 2023 में 3200 करोड़ तक पहुंच गई है। इनके पास भी कई लग्जरी और एक्सपेंसिव कार्स का कलेक्शन भी है। उन्हीं में से एक प्राइवेट जेट और प्राइवेट यॉट भी ओन करते हैं, जैसा कि आप कुछ झलक स्क्रीन पर इनकी देख सकते हैं। नंबर 2 पर आते हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन आज सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट एक्टर में से एक है। इनके टोटल नेटवर्थ तो आज 3500 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है। अमिताभ बच्चन फैमिली में भी कई करोड़ों का कार कलेक्शन है, जैसे रोल्स रॉयस, पोर्शे, मर्सिडीज और भी कई लग्जरियस और एक्सपेंसिव कार्स है। उन्हीं में से ये एक प्राइवेट जेट भी ओन करते हैं, जिसकी कीमत करीब 280 करोड़ रुपए बताई जाती है। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान आज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। एसआर के आज वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट एक्टर में से एक है। इनकी टोटल नेटवर्थ तो आज 2023 में 6000 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है। एसआर के पास कई कार्स, हाउस और कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट एंड होटल्स भी है और ये पर मूवीज के लिए काफी तगड़ा पैसा भी जो करते हैं। एसआरके भी एक प्राइवेट जेट ओन करते हैं, जिसकी कीमत अप्रोक्स 360 करोड़ रुपए बताई जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो गाइस, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप इनमें से किसके फैन हैं और ये भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपकी साउथ या बॉलीवुड की कौन सी फेवरेट मूवीज है, वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जब तक के दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।